जय साथियों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए जहां पर हमें ये सीखने को मिलेगा, जीवन हमें कई बार मौके देती है लेकिन उस मौके को हम पहचान नहीं पाते और उस स्वर्णिम समय को गंवाने के बाद जीवन पर्यंत हम पछताते रहते हैं। एक अभ्यर्थी जीवन का पढ़ने के लिए जो सफलता हमारे लिए सबके लिए होती है, उस सफलता के लिए हम दिन रात भागते हैं फिर भी मंत्र से सफल नहीं हो पाते। इसमें हम हमेशा भगवान और ईश्वर को देश देते हैं, लेकिन आज ये जानेंगे कि वास्तव में हमारी क्या गलती होती है और हम वहां पे कौन कौन से ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका खामियाजा हमें और आपको भुगतना पड़ेगा। आज एक हम ऐसी स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं। एक बड़ा सा गांव था, उस गांव में एक साधु रहते थे। वो साधु जो थे उनका जो भगवान पर दृढ़ विश्वास था, वो भगवान पर दृढ़ आस्था रखते थे और उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। एक बार वो गांव के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे। अचानक गांव में हल्ला होता है कि गांव में बाढ़ आई है, गांव में बाढ़ आ गया है, लेकिन वो अपनी तपस्या में पूरी तरह से लीन रहते हैं। लोग इधर उधर भागने लगते हैं कि बाढ़ आ गई है। कुछ लोग ऊंचे पहाड़ों की तरफ जाते हैं। गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है, कहता है, महात्मा गांव में बाढ़ आ गई है, आप भी पहाड़ की तरफ चलिए, ऊंचाई की तरफ चलिए। लेकिन आदमी को देखने के बाद साधु जी तपस्या करते रहते हैं और कहते हैं कि तुम लोग पहाड़ पर जाओ नहीं तो डूब जाओगे, मैं तो भगवान की तपस्या कर रहा हूं, मुझे तो भगवान खुद ही बचा लेंगे। यह बात सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति भी पहाड़ की तरफ चल पड़ता है। कुछ देर के बाद बाढ़ का जो जलस्तर था ऊपर उठता है और ऊपर उठते उठते साधु जी के कमर तक पहुंचता है, लेकिन साधु जी अभी भी तपस्या में लीन रहते हैं। और फिर वहां पर गांव का एक नाविक नाव लेकर पहुंचता है उस पेड़ के पास, कहता है, महात्मन गांव में बाढ़ आ गई है, पानी अब तो कमर तक आ गया है, आइए नाव पर बैठकर किसी सूखे स्थान पर चलते हैं ताकि हम और आप सब अपनी जिंदगी बचा सके। लेकिन यह बात सुनने के बाद साधु जी उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम जाओ और लोगों को बचाओ, गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बाढ़ में डूब रहे हैं, मुझे तो बचाने के लिए ऊपर से भगवान आ रहे हैं, मुझे तो भगवान बचाएंगे, मैं तो उनकी तपस्या कर रहा हूं। कुछ देर के बाद बाढ़ का पानी जलस्तर और ऊपर उठता गया और ऊपर उठता गया। इस बार जो जलस्तर था ना वो महात्मा जी के गर्दन तक आ गई। कहां तक आ गई? गर्दन तक आ गई। तो ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जा रहा था, उस हेलीकॉप्टर ने एक रस्सी नीचे गिरी और रस्सी गिराने के बाद स्पीकर से आवाज लगाई कि महात्मा साधु जी, पानी जो बाढ़ का था वो आपके गर्दन तक आ चुकी है, कृपया आप इस रस्सी को पकड़ ले ताकि हम इस रस्सी की मदद से आपको ऊपर हेलीकॉप्टर पर बैठाकर किसी सूखे स्थान तक ले जा सकें। और इस कहकर उसने रस्सी को नीचे फेंक दिया, इसे जल्दी पकड़ो और जल्दी पकड़कर ऊपर आ जाओ, इसके अलावा आपके पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन फिर भी साधु ने ऊपर तरफ सर करके कहा कि आप इस रस्सी को ऊपर खींच लो, मुझे तो ऊपर वाला बचाने के लिए जरूर आएगा। और यह सोचकर वो पानी में बैठकर अपनी तपस्या करते रहते हैं। जलस्तर और ऊपर जाता है और ऊपर जाता है। उनके मन में बड़ा ख्याल आता है, क्यों ना मैं इस पेड़ कर ऊपर चल जाऊं और अपने आप को इस बाढ़ से बचा सकूं। लेकिन होता वही है, फिर उनके दिमाग में बात आती है, मुझे तो ऊपर वाला आएगा और बचाएगा, भगवान आएंगे और बचाएंगे। यह सोचकर वो तपस्या में नील रहते हैं। कुछ क्षणों के बाद जलस्तर जब उनके नाक के ऊपर सर के ऊपर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद जब वह स्वर्गलोक में पहुंचते हैं तो स्वर्ग में पहुंचने के बाद भगवान से कहते हैं, भगवान मैंने तो पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, आपकी पूजा की, आपकी आराधना की,
आप पर इतना दृढ़ भरोसा किया, आप पर दृढ़ विश्वास किया, फिर भी आपने मुझे इस बाढ़ के पानी से नहीं बचाया, बल्कि मैं मर गया, ऐसा क्यों भगवान? तो भगवान ने कहा, हे महात्मन, मैंने एक बार नहीं, चार चार बार आपको बचाने का प्रयास किया। पहली बार मैं एक वृद्ध बुजुर्ग के रूप में आपके पास आया कि महात्मन चलिए किसी ऊंचे पहाड़ की तरफ चलते हैं, गांव में बाढ़ आ गया है और बाढ़ का पानी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तब आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे तो भगवान बचाने आएंगे। दूसरी बार मैं नाविक के रूप में नाव लेकर आपके पास पहुंचा, तब भी आपने कहा कि मुझे ऊपर वाला बचाने आएगा, तब भी आपने मुझे नहीं पहचाना। तीसरी बार मैंने हेलीकॉप्टर भेजा, रस्सी फिकवाया, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं पहचान सके और अपने आप को नहीं बचाया। चौथी बार मैंने आपके मन में ख्याल लाया कि आप पेड़ पर ऊपर चढ़कर अपनी जिंदगी बचा लें, तब भी आप अपने जिद पर अड़े रहे और आप हमें किसी भी रूप में पहचान नहीं पाए और अपनी जिंदगी खो बैठे और मरने के बाद इस मृत्यु लोक में आप पहुंच गए। इस तरह जिंदगी में हमें भगवान कई मौके देता है जिससे हम सफलता की तरफ बढ़ सके, लेकिन हम उस मौकों को ठुकरा देते हैं, इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि भगवान स्वयं आएंगे और हमें एक नियुक्ति पत्र पकड़ाएंगे, कहेंगे आज से आपको सरकारी नौकरी मिल गई, आज से आप सफल हो गए जीवन में, अब आप इससे आगे बढ़िए। और इस बात पर हम अड़े रहते हैं कि जब तक भगवान हमें नियुक्ति पत्र नहीं देगा तब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, किसी भी अच्छे समय का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। जीवन में जब भी मौका मिले हमेशा हमें बेहतर करते रहना चाहिए और कब ना जाने आपके जीवन की सफलता किस मेहनत की चाबी से खुल जाए यह कोई नहीं जानता। भगवान किस रूप में आपको सफल करना चाहता है। कई बार जब भर्ती परीक्षा नहीं आती हम टूट जाते हैं, अब नहीं पढ़ेंगे, फिर आता है कि नहीं यार आप तो पढ़ लो, क्योंकि जब परीक्षा होनी होती है ना तो 3 से 4 महीना पहले विज्ञप्ति आती है और 3-4 महीने परीक्षा हो जाती है, उसके बाद वो सालों भर्ती रुकी रहती है, लेकिन परीक्षा और फॉर्म भरने में 3 से 4 महीने का गैप होता है। इन 3-4 महीनों में नहीं पढ़ पाते, फिर इंतजार करते हैं कि चलो अब अगली भर्ती आएगी फिर पढ़ेंगे, भगवान हो सकता मुझे अगली भर्ती में करेगा। इस तरह हम कई बार सोचते रहते हैं, कई बार सोचते रहते हैं और अंत में हमारी उम्र खत्म हो जाती है और फिर ऊपर वाले जब कोसते हैं तो ऊपर वाला कहता है, हमने कई बार आपको यह बताने का प्रयास किया कि पढ़ो, पढ़ने के लिए आपको कई मौके मैंने दिए, लेकिन आप इस बात का इंतजार करते रहे कि जब भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, और आज आपने हर वो मौके गंवा लिए। इसलिए इस कहानी से हमने सीख लिया कि मेहनत हमेशा करते रहना चाहिए, ना जाने हमारी मेहनत से कि किस चाबी से हमारी सफलता का दरवाजा खुल जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप रेस हमेशा उनसे है जो सफलता के करीब है। इसलिए रेस लगाते रहते, जीवन में सफल होने के लिए आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों को शेयर करिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जब आप मेहनत करेंगे पढ़ते रहेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा, सब प्रतिशत करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, जय हिंद, जय भारत।